चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे हम रेडमी मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे बटन नहीं है और मेरे को बैक अगर करना है, कुछ भी करना है तो कैसे करेंगे हम पहले दिखा देते हैं। पहले तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया है, तो फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो जैसे हम कोई भी फाइल में चले जाते हैं तो यहाँ से बैक होना है तो डायरेक्ट हम पूरा कट कर दिए यहाँ से, तो ऐसे कट हो जाती है। अगर हिस्ट्री निकालना है तो नीचे से ऊपर करके स्लाइड करके थोड़ा देर रखना होता है, इस तरह का हिस्ट्री आ जाता है जिसमें जाना है चले जाएंगे। अगर एक स्टेप बैक होना है, जैसे यहाँ पे आ गए तो हमको यहाँ से एक स्टेप बैक होना है, तो इस पर क्लिक करना है, ऐसे कर देना है। मतलब राइट से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किसी और करेंगे स्लाइड तो वो हो जाएगी। तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले, तो हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, तो हम ये भी करके दिखा दे रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बता देंगे खोज के कैसे करना है। तो पहले ये दिखा देते कहाँ पे है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे, उससे आप और आसानी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सर्च होने में टाइम लग रहा है, तो चलिए हम तब तक खोज के ये आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो अब कैसे करना है इसे, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद आप एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन होगा, इसमें आना है। इसमें जैसे ही आ जाइएगा तो उसके बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले लिखा हुआ है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे बटन्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों बटन आ गया है, ये बैक का और ये होम का और ये मेनू का, तीनों बटन आ चुका है। तो जैसे कि हम फुल स्क्रीन डिस्प्ले बताए थे तो इस पर क्लिक करना है आपको, अगर फुल स्क्रीन डिस्प्ले करना है तो। और उसके बाद यहाँ पे आप लर्न मतलब सीख भी सकते हैं, ये आपको बताएगा कैसे करना है। तो हम एक बार लर्न कर देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर हम आपको भी बताते हैं कैसे कैसे करना है। वैसे हम जानते हैं फिर भी हम करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न बता रहा है कैसे कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं बता रहा है ऊपर से ऐसे करना है, तो हम कर लिए, एक बार ऐसे करके दिखा देते हैं। फिर उसके बाद नाइस वाइप, उसके बाद फिर कहता है स्वाइप अब एंड पास, ऐसे स्वाइप करके फिर रखे रहना है। तो ये भी हो गया स्टेप। तो उसके बाद इधर से लेफ्ट से राइट की ओर कर रहा है, तो ये भी नाइस हो गया। फिर उसके बाद राइट से लेफ्ट, ये भी बैक होने का प्रोसेस है। तो यू आर रेडी टू रॉक, उसके बाद आई एम डन पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी कुछ और सेटिंग है, तो यहाँ से गो टू प्रीवियस ऐप, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जैसे कि इससे पीछे जो भी ऐप चलाए थे वो आ जाएगी, ऐसे में डायरेक्ट उस पर आ सकते हैं आप आसानी से, और आप इसको रीड भी कर सकते हैं इस तरह। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।